हेलो दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूके बर्ड्स के एक नए ब्लॉग में। फिर से नए दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं हम कटरा से, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, जो कि हम उठ चुके थे तो 7 बजे थे, बट हमने कुछ किया नहीं है। और अभी हम आपको अपने होटल का रिव्यू दिखाते हैं कि हम कहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी हमारा नाश्ता आ गया, हम दिखाएंगे नाश्ता भी अपना। एक रूम है ये हमारा, एक रूम है, दो रूम है, ये हमारा नाश्ता रखा हुआ है, ये हमारे भाई जी वॉशरूम में है, और यहाँ पर अभी ये चेंजिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ बाद में दिखाएंगे, हमारे होटल का ओवरव्यू। और ये बाहर का नज़ारा है, दगड़ियों देख सकते हो, वो दिख रहा है जो है रेलवे स्टेशन जी, हम यहीं पर रुके हुए हैं। होटल का नाम है राधा पैलेस कटरा में। तो कल रात हम पहुंच चुके थे अपने रूम पे 7 बजे, जो कि हम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि परसों रात हम थे वैष्णो देवी में और हमारे पास चार्जर वगैरह कुछ नहीं थे जो हम चार्ज कर पाए अपना फ़ोन, तो हम ब्लॉग भी नहीं कंटिन्यू कर पाए शाम के बाद से, जब हम अर्धकुमारी से नीचे आ गए थे। तो दगड़ियों हम पहुँचे कल शाम को 7 बजे अपने होटल रूम में, हम सबके सब खो चुके थे दो दो के सिस्टम में। और यहाँ आके फिर हमने एक दूसरे को कॉल किया होटल के नंबर से, क्योंकि दगड़ियों वैष्णो देवी में चलता है पोस्ट पेड सिम और हमारे पास सिर्फ 2 सिम थे पोस्ट पेड, तो इस वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाए एक दूसरे से। दगड़ियों बात ऐसी है, अगर आप जा रहे हैं वैष्णो देवी तो आप अर्धकुमारी के लिए है एक दिन पहले ही अपना टोकन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 24 to 48 hours का रहता है वेटिंग टाइम। हमने तो नहीं कराई थी, बट हमारी किस्मत रही कि हम किसी के साइड से हमने दर्शन कर लिया, क्योंकि एक लोगों का 7 टिकट था और वो लोग सिर्फ 3 ही थे, तो 4 लोग हम उनके साथ एंट्री कर गए और 2 लोगों का टोकन कटा हमारे से, तो हमारे इसलिए दर्शन हो चुके थे। तो ऐसी बात है, पोस्ट पेड सिम का ध्यान रखना है, और अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए जो है आपको करना पड़ेगा टोकन लेना है और पोस्ट पेड सिम। तो दगड़ी हुई हैं हमारे बुक्कड़ लोग। मेरे को तो छुपा रहे हैं, तो शक्ल भी अच्छी नहीं आ रही है। नहीं दिखा रहे मैं तेरे को, सही है मैं रास्ता, चाय तो दिखा देती, अच्छी रेट से जाए। दिखा दी चाय, एक चाय और आ रही, 6 है। सौरभ भाई कहाँ गए? तो दगड़ियों ये हमारे यहाँ फोटो शूट हो रहा है पंजाबी साहब का, और हम सभी लोग तैयार हो गए हैं श्रीनगर की तरफ जाने के लिए, हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है और 3 लोग वहाँ जा रहे हैं दूसरे रूम में, उन्हें भी दिखाएंगे अभी दगड़ियों, और फिर मिलेंगे आपको श्रीनगर में एक्सप्लोर करते हुए दगड़ियों। तो अभी हम जा रहे हैं बनियाल, फिर वहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी, तो देखते रहो हमारे आगे की जर्नी और एक्सप्लोरमेंट, तुम भी घर में बैठ कर देखते रहो हमारी मस्तियाँ। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं डल लेक की तरफ अपने टैक्सी में, तो मिलते हैं हम आपको आगे और दिखाते हैं हम आपको अपने नज़ारा। ये पीछे हमारे भाई जी छोड़ के और एक हमारे को पायलट जो है आ गए हैं, ये है हमारे सभी लोग। ओए वाईफाई दो भाई, भाई को वाईफाई दो यार। मिस पूजा, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कदी, परदेसे तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चेनानी, जो कि है श्रीनगर के रास्ते पर बढ़ता है, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं। अभी हम खाना खाने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर 2 घंटे के सफर के बाद। दोस्तों ये कोने पे मिलेगी, दोस्तों हमारे पंजाबी वैष्णो थावा में हम रुके हैं खाना खाने के लिए, हमारे ड्राइवर साहब हैं। चलो फिर चलते हैं, और ये हमारी गाड़ी है दगड़ियों, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं अभी। तो दगड़ियों रात के बज गए हैं 9, जो कि हम पहुंच चुके हैं डल लेक श्रीनगर में। पूरे 8 से 9 घंटे का सफ़र रहा और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर डल लेक। अब दिखाएंगे हम आपको, डायरेक्ट पहुंचते हैं अपने रूम पे, और हम व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, इसके अगला जो व्लॉग आएगा वो श्रीनगर और गुलमर्ग का आएगा, तो हमारे व्लॉग आगे का ज़रूर देखते रहना। और यह है अपना डल लेक का नज़ारा, जहाँ पर कि बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारा, ये फ्लोटिंग हाउसेस जो हैं दिख रहे हैं, और इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा था। हम गाड़ी में चलते चलते जो है ये वीडियो बना रहे थे, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत रुके, मार्केट में थोड़ा सा घूमे थे, बट हम ब्लॉग नहीं बना पाए उस चीज़ का,
क्योंकि पूरे रास्ते भर हमारा सफ़र था और फ़ोन में इतनी बैटरी नहीं थी कि जो हम व्लॉग कंटिन्यू कर पाए। तो अब अगला जो व्लॉग आएगा वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है गुलमर्ग जो है हमने एक्सप्लोर किया है और जो है वोटिंग की हमने रात को ही की है वोटिंग भी। तो हमारा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा दगड़ियों। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए मजबूर जैसा, आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही किस पे ये इल्जाम है।